10% वाले तो है प्लांट। किसान भाई नमस्कार, आज हम को दिखाने वाले हैं कि इस खेत में पहले कितना वायरस आया हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पत्तों पे पहले कितनी कटिंग थी, और कुछ जो पौधे बचे हुए हैं, जैसे भी अभी ये देखना, इस पे वायरस आया हुआ था लीफ कर, इस पे भी एक दो बार स्प्रे हुई है, तो इस पे अगर एक दो बार स्प्रे और करेंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कीटनाशक की स्प्रे बहुत ज़रूरी होती है। कीटनाशक से ये होता है कि जो इसकी मक्खी जो इनको की वायरस को फैलाती हैं, जैसे आपकी माहू हो गया, सफ़ेद मक्खी होगी, कि उसका प्रकोप ज़्यादातर मैं किसान भाइयों को बताता भी हूँ कि या तो आप साइड नेट लगा दें साइड में, या फिर मक्का का प्रयोग करें। मक्का का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है खेत में। जो सफ़ेद मक्खी होती है हमारी, वो मक्का को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि मक्का का उसको टेस्ट बढ़िया नहीं लगता, और अगर देसी मक्का हो तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर जैसे सपोज करो इसमें एक पेड़ मक्का का खड़ा हुआ होता तो ये वायरस तो बहुत ही कम आता है। फिर ज़्यादातर मैं किसानों को ये सलाह देता हूँ, जैसे आप सितंबर में लगाओगे तो आप सितंबर में तो मक्का ना लगाएं, क्योंकि अब तो खैर ठंड आ जाएगी, ठंड में तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता नहीं है। जून अगले साइड जून में स्टार्ट होती है, तो आप कम से कम भी मार्च के शुरू में, मार्च के एंड में मक्का ज़रूर लगा दें खेत के चारों तरफ, और अगर बीच में भी लगा दें तो घना बढ़िया रहेगा। और जैसे गेंदा भी लगा रखा है? हाँ, गेंदा लगा, गेंदे का भी फायदा होता है। गेंदा जो होता है, गेंदे से ये नेमेटोड बीमारी ख़त्म होती है। नेमेटोड जो आपकी जड़ों में गांठें बन जाती हैं, उस बीमारी का भी बहुत प्रकोप होता है पपीते में। पपीते में क्या सभी में होता है, जैसे आपका बैंगन में हो गया, भिंडी में हो गया, और आपका बहुत फसलों में उसका प्रकोप होता है, बेल वाली कद्दू वर्ग के फसलों में भी होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इसके आसपास ना तो कद्दू वर्ग के फसलें होनी चाहिए पपीते के आसपास में, और ना ही आपकी टमाटर बैंगन मिर्च ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी जड़ों में संपर्क में आने पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बनती हैं। तो जी, हम किसान इन किसान भाई के पास में आए हुए हैं जिनको मैंने दवाई दी थी जी, तो इस दवाई का रिजल्ट बताएं कि आपको कैसा लगा। देखिए, इस दवाई का रिजल्ट टीटू भाई, आपको मैं सही बताऊं, जब आपसे पहली बार ली थी तो मैं डर रहा था कि पता नहीं खेत में और कोई वायरस आ रहा है, कैसे करूं क्या ना करूं, क्योंकि किसान डर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 90% अब तक दो स्प्रे के बाद मेरे खेत में ट्रीटमेंट इतना अच्छा हुआ है कि 90% बीमारी मेरे खेत में खत्म हो गई है। लगभग 10-12 प्लांट होंगे जिसके अंदर वायरस का भी प्रकोप है। चलो, खैर एकदम तो सभी चीज़ें ठीक नहीं होती। देखो भाई, कोई बीमारी एकदम घुस गई एकदम तो सही नहीं होगी जी जी, पर इसमें किसान भाई ध्यान रखें कि जो आपका कीटनाशक है उसकी स्प्रे के बाद ही इसकी स्प्रे करें, मतलब 2-3 दिन का अंतराल रखें उसके बीच में, या ये अगले दिन भी कर सकते हो, या 2-3 दिन का तो अंतराल रखें, क्योंकि जो जब कीट खत्म होता है उसी के बाद इसकी स्प्रे करें। देखो, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि भाई ज़्यादा हैवी डोज कर देते हैं दवाइयों को, तो मात्रा का विशेष ध्यान रखें। जो हैवी डोज से भी पपीते के पत्ते सुकड़ से जाते हैं, जो हैवी डोज हो जाता है ना पेड़, उससे भी बीमारियां बन जाती हैं पौधे में। तो किसान कहना चाहूँगा कि चलते चलते भाई चीज़ों का ध्यान रखें, और मैड जैसी बना रखें, आप मैड देख रहे हैं, मैडों का ध्यान रखें, जिससे कि तने जड़ के पास पानी ना जाए, क्योंकि अगर पपीते के तने के पास पानी जाता है तो गलन की बीमारी बहुत ज़्यादा बनने का खतरा होता है। चिंग कराते हो इस दवाई की, तो ये गलन को भी थामता है, जो फंगस होती है हमारी, ये फंगस के लिए भी एंटीडोट का काम करता जी है। हाँ, मैंने इसकी ड्रिंचिंग भी की थी 5 ग्राम पर लीटर डाल के, अच्छे, और उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा कि जैसे एक्सेस मॉइस्चर होता है, जैसे आपने बताया था कि ज्यादा उसके मॉइस्चर को खींच लेता है, मॉइस्चर को ये खींच लेता है, तो इससे बैक्टीरियल फंगस का कोई इस तरह का वायरस का प्रकोप नहीं रहता, क्योंकि हर बार बारिश में एक दो प्लांट मर जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इस बार जैसे बारिश हुई, बारिश से पहले मैंने इसमें डाला था, और एक बारिश के बाद किया थे मैंने ड्रिंचिंग, तो इस बार कोई मेरा एक भी पेड़ नहीं मरा इस चीज से, तो मुझे काफी अच्छा लगा। बिल्कुल असर तो है इस चीज का जी। तो अब चलते चलते किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा, देखिए फसल बहुत अच्छी है, खेती भी बहुत अच्छी है, बस के अंदर यही है कि आप वायरस ट्रीटमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, और टाइम टू टाइम इसके अंदर, एक तो इसके अंदर घास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पपीते में घास होने के बाद वायरस सबसे ज़्यादा आता है, और इसके बैड खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसके बैड थोड़े मोटे बना के रखने चाहिए, क्योंकि पतले बैड पे क्या होता है, वो जड़ों ज़्यादा फैल जाती हैं, और ज़्यादा पानी होने की वजह से गलन की समस्या पैदा हो जाती है। और टीटू भाई की दवाई की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, ये ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, एक बार इसको आप रिज़ल्ट देखें, एक बार यूज़ करके देखें, और आपको भी यही कहेंगे कि आप भी तारीफ करेंगे इसकी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।